हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हमारे विज्ञान के पाठ 10 जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन के कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तरों के बारे में। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की थी बेटा, उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को समझा और जाना था, यानी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के अलावा प्रश्नों के बारे में जो आप लोगों के यूटीज एग्जाम्स या फिर टेस्ट वगैरह में आते रहते हैं। ये वो प्रश्न है जो होते बहुत छोटे हैं पर बहुत परेशान करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रश्न है और कैसे इन्हें याद रखना चाहिए या याद किया जाए। चलिए समझते हैं इन क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 1, चिपको स्टीकर सामान्यतः कहां चिपकाए जाते हैं, यानी जो चिपको स्टिकर्स आते हैं बेटा उनको कहां पर चिपकाया जाता है ये बताना है। तो जो चिपको स्टिकर्स होते हैं मतलब उसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से उनको अलमारी यानी ऐसी जगहों पर चिपकाएंगे बेटा जिसमें चुंबक हो। तो अलमारी, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे आदि पर चिपकाए जाते हैं। दूसरा, कुछ सामान्य 4 वस्तुओं के नाम बताइए जिनमें चुंबक लगे होते हैं। पिन होल्डर, पेंसिल बॉक्स, टेप रिकॉर्डर और रेडियो। प्राकृतिक चुंबक का नाम बताइए, वो है बेटा मैग्नेटाइट। उस गडरिये का क्या नाम था जिसने चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी, नाम था मैग्नस। प्रश्न संख्या 5, मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक कहां पाया गया था। सबसे पहले ये मैग्नीशिया में पाया गया था बेटा, कहां पर, मैग्नीशिया में। उसके बाद है अगला प्रश्न 6, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं, उन चुंबकों को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक जिन पदार्थों में लोहे, कोबाल्ट, निकल को आकर्षित करने के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, कृत्रिम चुंबक मनुष्य द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कौन कौन से कृत्रिम चुंबक बनाए जा रहे हैं, वह है छड़नुमा, नाल चुंबक, बेलनाकार और गोलागत या गोलांत। उसके बाद यह है मैग्नेस छड़ी क्या है, एक ऐसी छड़ी जिसके सिरे पर चुंबक लगी हो उसे मैग्नेस छड़ी कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। 3 चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए, वह है लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि। अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ बच्चों जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, रबड़, पेपर आदि। 4 चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखने हैं हमें, वह है बेटा प्लास्टिक, कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि। प्रश्न संख्या 15, एक दर्जी कमीज के बटन टांक रहा था, उसके हाथ से सुई फिसल कर फर्श पर गिर गई, क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, हम चुंबक की मदद से बेटा उस सुई को ढूंढ सकते हैं जिसको आसानी से ना ढूंढा जा सक रहा हो। प्रश्न संख्या 16, रेत और मिट्टी में से लोहे के कणों को अलग कैसे किया जा सकता है, चुंबक की मदद से। प्रश्न संख्या 17, लोहे के कण चुंबक के मध्य अधिक चिपकते हैं अथवा ध्रुवों पर, तो इसका आंसर होगा बेटा ध्रुवों पर। एक स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है, तो वह है उत्तर दक्षिण की दिशा में। प्रश्न संख्या 19, उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को उत्तरी ध्रुव या उत्तरी उत्तरोन्मुखी सिरा कहते हैं। प्रश्न संख्या 20, दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का दक्षिणोमुखी अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, वो होते हैं 2, वो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक का कौन सा गुण दिशा निर्धारित करने में उपयोग में आता है, वो है उसका दक्षिण और उत्तर दिशा संकेत। प्राचीन काल में यात्री दिशा निर्धारण कैसे करते थे, प्राकृतिक चुंबक को लटकाकर। दिशा निर्धारण करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो है दिक्सूचक यंत्र यानी कंपस। चुंबक के समान ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है अथवा प्रतिकर्षण, तो वो होता है समान के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत के मध्य आकर्षण। तो इस प्रकार से बहुत ही सामान्य और छोटे से प्रश्न थे बेटा, ये वो प्रश्न है जो आप लोगों से पूछे जाते हैं कभी भी एग्जाम में। तो चलिए जानते हैं और फर्दरली इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ना है अगली वीडियो में,
और तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।